आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर षष्ठी माता का मंदिर छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में ये षष्ठी माता का मंदिर स्थित है। इस षष्ठी माता के मंदिर के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट। षष्ठी माता का मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर माना गया है। वैसे तो चैत्र और शारदेय नवरात्र में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। यहाँ श्रद्धालु वैसे तो साल भर आते हैं, पर चैत्र और शारदेय नवरात्र में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ लगी रहती है। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर षष्ठी माता का मंदिर कपुर्दा में स्थित है। इसे कपुर्दा मंदिर भी कहा जाता है। हर मंगलवार, प्रति मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहता है। इस मंदिर की कई विशेषताएँ हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आने से सारी मनोकामनाएं दूर हो जाती हैं। बच्चों का सूखा रोग दूर हो जाता है। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर जिसके लिए भी मनोकामना मांगी गई है उसके वजन के बराबर गुड़ चढ़ाने का रिवाज भी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 2024 के चैत्र नवरात्र में कपुर्दा के इस देवालय में 4011 ज्योति कलश जगमगा रहे हैं। 4011 ज्योति कलश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मान्यता है कि 1923 में कुएं से प्रतिमा अवतरित हुई थी और यहाँ कुल 6 प्रतिमाएं निकली थी। 3 एक साथ और 3 अलग अलग प्रतिमाएं थी। मंदिर के ट्रस्टी शिवशंकर श्रीवास्तव के मुताबिक, जैसा उन्होंने कुछ साल पहले बताया था कि उनकी दादी को एक सपना आया था कि खेत के कुएं में देवी की मूर्ति है। इसके बाद 1923 में उनके दादाजी ने कुएं को साफ करवाया और 6 प्रतिमाएं वहां निकली। इन प्रतिमाओं का नाम षष्ठी माता इसलिए रखा गया क्योंकि ये 6 प्रतिमाएं यहां पर निकली थी। हर मंगलवार को यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। छिंदवाड़ा जिले में ये षष्ठी माता स्थित है और इसे चमत्कारी मंदिर भी, चमत्कारी देवालय भी माना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्र में यहाँ 4011 ज्योतिर्कलश स्थापित किए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है और माता की बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमा दिखाई देती है। ज्योतिर्कलश आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से अगर आप सिवनी की ओर जाते हैं तो बाएं हाथ की तरफ कपुर्दा ग्राम है और कपुर्दा ग्राम में ये देवालय स्थित है। माता का ये देवालय, यहाँ पूजन पाठ वैसे तो 12 महीने होता है पर मंगलवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। चैत्र और शारदेय नवरात्र में, गुप्त नवरात्रियों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है। ये स्थान एक इस तरह का स्थान भी है जहाँ पर लोग बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। बच्चों का सूखा रोग भी यहाँ ठीक हो जाता है। इस तरीके की मान्यताएँ भी यहाँ है। ये जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है इस कुएं से ही इस तरीके की मान्यता है कि माता की 6 प्रतिमाएं निकली थी, इसीलिए इनका नाम यहाँ षष्ठी माता रखा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देवालय की हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। धीरे धीरे ये देवालय भी यहाँ पर सुविधा संपन्न होता जा रहा है। पहले खुले आसमान तले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब यहाँ शेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पर जगह जगह से, विशेषकर सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, नरसिंहपुर, नागपुर, इन जिलों से सबसे ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। मुख्य मार्ग से बहुत ही करीब
बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना होता, मुख्य मार्ग के पास ही ये देवालय स्थित है। और इस देवालय में ये देखिए, यहाँ पर जो पुरातन संस्कृति है भजन की, वो आपको यहाँ पर ढोल मंजीरों के साथ भजन भी बजते हुए, आपको भजन यहाँ गाती हुई महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, पीछे श्रद्धालु भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है नवरात्र में, तो विशेष रूप से यहाँ पर ये देखिए 4011 मनोकामना कलश यहाँ स्थापित किए गए हैं, जिस बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा ढोलक और मंजीरों के साथ देवी के भजन जस यहाँ पर गाए जा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ उपस्थित होता है। षष्ठी माता का ये प्रांगण आपको दिख रहा है और यहाँ पर प्रसाद बन रहा है और प्रसाद वितरित भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में मूलतः षष्ठी माता का ये कपूरधा का मंदिर स्थित है, सिवनी से बहुत करीब है, सिवनी से बहुत ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है, छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर कपूरधा का ये मंदिर स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 6 प्रतिमाएं एक कुएं के अंदर से निकली थी और 6 प्रतिमाएं होने के कारण षष्ठी माता इन्हें नाम दिया गया है। समाचार एजेंसी पीने की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बच्चों के लिए यहाँ देखिए झूले, नवरात्र या मंगलवार को यहाँ पर बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए भी यहाँ झूले आदि की व्यवस्था की जाती है। मान्यता पूरी होने पर जिसके लिए भी मान्यता मानी गई है, इस तरीके की यहाँ पर जो मान्यताएं प्रचलन में हैं कि अगर आपने किसी के लिए मान्यता मांगी हुई है तो उसके मान्यता पूरी होने के बाद उसके वजन के बराबर गुड़ चढ़ाया जाता है। गुड़ को यहाँ पर, चूंकि क्षेत्र में गुड़ बहुत आयत में होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।